नए साल के पहले दिन ही लोगों के किचन तक महंगाई का झटका पहुंच गया है। गैस कंपनियों ने गैर सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर के दाम में 19 रुपए का इजाफा किया है। दिल्ली में इस तरह घरेलू एलपीजी सिलेंडर अब 714 रुपए का हो गया है। बढ़े हुए दाम बुधवार यानी नए साल की सुबह से ही लागू हो गए हैं। दिसंबर में दिल्ली में गैस सब्सिडी वाला घरेलू गैस सिलेंडर 695 रुपए का था। लगातार पांचवें दिन रसोई गैस सिलेंडर के दाम भाव में बढ़ोतरी हुई है। कंपनियां हर महीने रेट रिवीजन करती हैं। जनवरी के लिए रेट रिवीजन के बाद पेट्रोलियम कंपनियों ने गैस सब्सिडी वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 19 रुपए का इजाफा किया है। इसी तरह कमर्शियल सिलेंडर के दाम 29.50 रुपए बढ़ाए गए हैं। कारोबारियों को अब सिलेंडर के लिए दिल्ली में 1241 रुपए चुकाने होंगे। कोलकाता में अब गैर सब्सिडी वाला घरेलू गैस सिलेंडर 747 रुपए का, मुंबई में 684 रुपए और चेन्नई में 734 रुपए का हो गया है। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत कोलकाता में 1308 रुपए, मुंबई में 1190 रुपए और चेन्नई में 1363 रुपए हो गई है। पिछले नए साल के मौके पर मोदी सरकार ने एलपीजी सिलेंडर के दाम में भारी कटौती कर देशवासियों को तोहफा दिया था। तब गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत 120.50 रुपए की कटौती की गई थी, लेकिन इस नए साल के मौके पर आम आदमी को बड़ा झटका लगा है।